शाह रमजी साहब आपको दावत दे रहा हूं, आप अपना कलाम पेश कीजिए। सलाम अलैकुम मौजूद हाजरीन, मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले बगैर किसी तमहीद के सीधे सीधे एक नज्म माँ के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। जी मतला हाजिर है, यूँ तो सारे मतले ही हैं, लेकिन फिर भी आज कहता हूँ कि चमक उठी मेरी तकदीर कहे कशां बनकर, चमक उठी मेरी तकदीर कहे कशां बनकर, किसी नबी से कहा माँ तेरी दुआ कमतर, और नबी रसूल पैगंबर है तेरी छाँव में, नबी रसूल पैगंबर है तेरी छाँव में, खुदा ने रखी है जन्नत भी तेरे पाँव में। और शेर देखिए कि तमाम खून भी अपना अगर बहा आऊं, तमाम खून भी अपना अगर बहा आऊं, तो माँ के दूध का कर्जा ना मैं चुका पाऊं। और दुआ से माँ की कभी जो हुआ कोई गाफिल, दुआ से माँ की कभी जो हुआ कोई गाफिल, कसम खुदा की है वो अपने आप का कातिल। और हर एक पीर से बढ़कर बुजुर्ग माँ मेरी, हर एक पीर से बढ़कर बुजुर्ग माँ मेरी, करम से माँ के बची है ये आज जान मेरी। शेर हाजिर करता हूं कि जमाना कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे, सोच ये हमारी है, जमाना कुछ भी कहे, सोच ये हमारी है, ये अर्शो फर्श पे एक लफ्ज माँ ही भारी है। और खुदा है कौन, कहां क्या मकाम है उसका, खुदा है कौन, कहां क्या मकाम है उसका, बताया जिसने मुझे माँ ही नाम है उसका। और कलेजा माँ का जो उल्फत से पाक हो जाए, कलेजा माँ का जो उल्फत से पाक हो जाए, जमीन की तरह समंदर भी खाक हो जाए। और मुसव्विरों को मैं झुककर सलाम कर लेता, मुसव्विरों को मैं झुककर सलाम कर लेता, जो कोई माँ की मोहब्बत में रंग भर देता। और खुदा के नाम से पहले जुबा पे नाम तेरा, खुदा के नाम से पहले जुबा पे नाम तेरा, ये शीर खार समझता है माँ मकाम तेरा। और खफा जो माँ हो, खफा हो माँ, खफा जो माँ हो, खुदा को खफा समझ नादान, खफा जो माँ हो, खुदा को खफा समझ नादान, किसी अमल से ना उतरेगा माँ तेरा एहसान। और बलाएं दूर हैं माँ की अमान में अब तक, बलाएं दूर हैं माँ की अमान में अब तक, रजा खुदा की है माँ की जुबान में अब तक। और खफा है माँ तो तेरी खाक ये इबादत है, खफा है माँ तो तेरी खाक ये इबादत है, हंसा दे माँ को तेरी पाक ये इबादत है। और मक्ता हाजिर करता हूं, पे पकड़ के पैर मना ले तू शाज माँ को अभी, पकड़ के पैर मना ले तू शाज माँ को अभी, वगरना रोजे कयामत ना राजी होगी कभी। क्या कहने, और यहां से हम थोड़ा गजल का रंग लेते हैं।
तो गजल से पहले चार मिसरे आप हजरत की नायाब समातों के हवाले करता हूँ कि हरगिज हरगिज किसी इशारे पे चलता नहीं हूं मैं, हरगिज किसी इशारे पे चलता नहीं हूं मैं, सूरज हूं अपने वक्त का साया नहीं हूं मैं। और खुद पर गुरूर आंधियों इतना न तुम करो, खुद पर गुरूर आंधियों इतना न तुम करो, टूटा हुआ जरूर हूं बिखरा नहीं हूं मैं। खुद पर गुरूर आंधियों इतना न तुम करो, टूटा हुआ जरूर हूं बिखरा नहीं हूं मैं। और यहां से बाकायदा गजल का मतलब हाजिर करता हूं कि क्या नजर क्या बद नजर, कोई नजर कुछ भी नहीं, क्या नजर क्या बद नजर, कोई नजर कुछ भी नहीं, और बस खुदा की जात है और मौतबर कुछ भी नहीं। और मुद्दतों से कैद हूं, मुद्दतों से कैद हूं मैं उस मकामे आज तक, मुद्दतों से कैद हूं मैं उस मकामे आज तक जिसकी बुनियादें तो हैं दीवार उधर कुछ भी नहीं। शेर हाजिर करता हूं कि मेरे अंदर, मेरे अंदर और भी एक शख्स रहता है जनाब, मेरे अंदर और भी एक शख्स रहता है जनाब, उससे मिलकर देख लीजिए मैं अगर कुछ भी नहीं हूं। शुक्रिया नवाजिश को रंगनायक। और रेत के औराक पर उंगली ने बर्जस्ता लिखा, औराक मतलब पेज, किताब का पेज। रेत के औराक पर उंगली ने बर्जस्ता लिखा, जाने किसका नाम था जेरो जबर कुछ भी नहीं। और शेर हालात हाजरा को जहन में रखते हुए देखें कि जो मुशायरों का हाल है उसे कुछ नज्म करने की कोशिश की है कि दम्बा खुदे बाहनर ऐसा नजारा देखकर, नूर साहब, दम्बा खुदे बाहनर ऐसा नजारा देखकर उसने महफिल लूट ली जिसमें हुनर कुछ भी नहीं। और धूप की चादर हटाना जिसकी फितरत में ना हो, धूप की चादर हटाना जिसकी फितरत में ना हो, चाहे जितना हो बड़ा फिर वो शजर कुछ भी नहीं। बहुत मोहब्बत है। और शेर हाजिर करता हूं कि वो रुलाए मैं हंसू, वो रुलाए मैं हंसू जद्दोजहद दोनों में थी, वो रुलाए मैं हंसू जद्दोजहद दोनों में थी, जो हसद सा सब उधरता और इधर कुछ भी नहीं। और वक्त के पंछी में उड़ने का हुनर मौजूद है, वक्त के पंछी में उड़ने का हुनर मौजूद है, दायरों में उड़ रहा है बालों पर कुछ भी नहीं। और ये विषय देखेंगे, कांच के बर्तन में पानी भी खुदा का साथ भी, कांच के बर्तन में पानी भी खुदा का साथ भी, एक मछली के लिए खौफो खतर कुछ भी नहीं। नवाज़िश करम। और शाज मक्ता हाजिर करता हूं, शाज क्या झुलसाएगी तनकीद की गर्मी मुझे, शाज क्या झुलसाएगी तनकीद की गर्मी मुझे, आग के दरिया से गुजरा हूं शरर कुछ भी नहीं। शुक्रिया। शाज रमजी साहब ने शाज भी बजाया और महफिल भी जमाई, भैया बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने पढ़ा, खुदा आपके ऊपर और रहमत बरकत करे। मैं अभी खुदा की बात हो रही थी, माँ की बात हो रही थी, मैंने आईना साफ किया तो मैं नजर आया, मैंने आईना साफ
दोस्तों अभी माँ की बात हो रही थी, भरी भीड़ में भी, भरी भीड़ में भी जो अपने सीने से लगाकर अपना दूध पिला देती है, भरी भीड़ में भी जो अपने सीने से लगाकर अपना दूध पिला देती है, जब बच्चा भूखा हो तो माँ सारी दुनिया को भुला देती है, माँ सारी दुनिया को भुला देती है। माँ भी आई हुई है मधु जी, मधु सिंह जी हास्य की बहुत बड़ी अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं। हिंदुस्तान के मंचों के ऊपर जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन होता है, इनकी हाजिरी, इनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप में गिनी जाती है। आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ। हमारे इस मंच पर सभी जाने माने श्रोता, जाने माने शायर और कवि उपस्थित हैं, सामने शानदार श्रोता उपस्थित हैं। हमारे मंच पर आदरणीय पंडित किरण मिश्र जी, प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध कवि, मैं जितना उनके बारे में कहूँ उतना कम है, हमारे मंच की शोभा है, मैं उनको विशेष प्रणाम करती हूँ। और इस सब आयोजन का कार्यक्रम जरा मुक्ति साहब ने किया है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ, आपका यहाँ पर इस्तकबाल करती हूँ। और सीधे सीधे पहले जिसके लिए ये मुशायरे का, कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, सबसे पहले मैं वो पंक्तियाँ देश के नाम करती हूँ, उन शहीदों के नाम करती हूँ जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली, और उनके नाम करती हूँ जिनकी वजह से हम यहाँ पर महफूज हैं। पढ़ती हूँ कि सीमा के पहरेदारों का मान हिलोरे लेता है, सीमा के पहरेदारों का मान हिलोरे लेता है, वीर शहीदों का तब तब बलिदान हिलोरे लेता है, रक्षक बनकर अड़ा हुआ ये ऊंचा अमर तिरंगा है, रक्षक बनकर अड़ा हुआ ये ऊंचा अमर तिरंगा है, हर पल मेरे दिल में हिंदुस्तान हिलोरे लेता है, हर पल मेरे दिल में हिंदुस्तान हिलोरे लेता है। बहुत शुक्रिया। और देखिए बहुत कम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन अभी मुझे पूरे भारत की तस्वीर आप में और हम में दिख रही है, आप और हमसे ही ये पूरा हिंदुस्तान बनता है। एक बार जोरदार तालियों से कौमी एकता के नाम। और तब अपनी भावनाएं मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मैं सर्वधर्म का सम्मान करती हूँ कि हसे तो होता हिंदू मां से मुसलमान है, दोनों से रोशन आज ये हिंदुस्तान है, मंदिर में झिलमिल आरती घंटी की गूंज है, मस्जिद में पाक लफ्जों से होती अजान है, मस्जिद में पाक लफ्जों से होती अजान है। अगली पंक्तियां फिर से आप तक पहुंचाती हूँ कि सभी का मान रखती हूँ और सम्मान रखती हूँ, सभी का मान रखती हूँ और सम्मान रखती हूँ, मैं हिंदुस्तान में जन्मी हूँ यही अभिमान रखती हूँ, खुले अंबर को छूले हम जो हर कोई छू नहीं सकता, लिखा हो नाम आसमां पर यही अरमान रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, ये उनके लिए मैंने पढ़ा है कि आप खूब पढ़ें और अच्छे से तरक्की करें और इस देश की उन्नति के भागीदार बने। और अब जो मेरा परिचय जिससे दिया गया है कि मैं हास्य के लिए ही जानी जाती हूँ और हास्य के लिए ही बुलाई जाती हूँ, तो यहाँ से अब देखिए मुझे याद आता है कि स्वर्गीय निदा फाजली साहब ने एक बहुत सुंदर शेर कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना किसी पूजा या इबादत से कम नहीं। तब मैं अपने विधा विधिवत कविता पाठ शुरू करती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से आप मेरा हौसला मुझे दे दीजिएगा। बात अपने से ही शुरू करती हूँ कि हास्य और श्रृंगार की करती हूँ मैं बात,
हास्य और श्रृंगार की करती हूँ मैं बात, हंसने और हंसाने में गुजर जाएगी रात। रात ये तारों वाली बजे सब मिल ताली। रात ये बहुत शुक्रिया। देखिए जब मैं यहाँ आने के लिए निकली तो मल्ला डिस्ट्रिक्ट हमारे भाई ने बहुत सुंदर उन्होंने गजल पेश की, कुछ प्रेम की बात की, अच्छे अच्छे शेर पढ़े। लेकिन देखिए प्यार भी आजकल एक फैशन की तरह हो गया है। जब मैं यहाँ स्टेशन से आने के लिए निकली तो मुझे एक लड़का मिल गया था, क्या कह रहा था, प्यार भी ऐसा हो गया कि आज एक से कर लिया कल दूसरी से कर लिया। क्या कह रहा था कि जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिससे प्यार किया वो पूना चली गई, मजबूर होकर सोचा खुदकुशी कर लूं, बिजली को हाथ लगाया तो बिजली चली गई। बहुत शुक्रिया। और देखिए एक जमाना था कि शादी के बारे में सोच एक अलग हुआ करती थी कि संस्कारी लड़का मिले, संस्कारी परिवार मिले। लेकिन आज के लड़कियों की सोच थोड़ी बदल गई है। तब चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि आजकल की लड़कियों को तनी हस्बैंड चाहिए, आजकल की लड़कियों को तनी हस्बैंड चाहिए, बजा डाले उसे जब तब ऐसा बैंड चाहिए, बजा डाले से जब तक ऐसा बैंड चाहिए। जरूरी ये नहीं कि वर उसका हो कुंवारा ही, और जल्दी चले बसे इसलिए सेकंड हैंड चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हास्य के श्रोता है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए पढ़ती हूँ कि एक असफल प्रेमी की दास्तां आपके बीच रखती हूँ कि जिसने प्यार तो किया लेकिन अपने प्यार का समय पे इजहार नहीं किया, और जब समय निकल गया तब क्या होता है सुनिएगा। उसी की व्यथा उसी के मुख से आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। कि देखते ही देखते हाथ उसके पीले हो गए, देखते ही देखते हाथ उसके पीले हो गए, हम इजहार करने में जरा से ढीले हो गए, हम इजहार करने में जरा से ढीले हो गए। प्यार की इस कहानी की खबर पापा को हो गई, वो डंडे इतने पड़े हाथ पांव सब नीले हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए पत्नियां भी कुछ कम नहीं है। मैंने लड़की की बात की, लड़कों की बात की, मेरी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं। मेरी बहन मुस्करा रही है सामने, उनके लिए भी कुछ पढ़ती हूँ। कि पत्नियाँ आजकल की खूब घर में ड्रामा करती है, पत्नियाँ आजकल की खूब घर में ड्रामा करती है, पति की जेब खाली कर उसे सुदामा करती है, पति की जेब खाली कर उसे सुदामा करती है। की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है, जब शेरनी बनू के घर में खूब वो हंगामा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा राजनीति की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, मैं छोटा छोटा हाथ से बहुत सारे नेताओं के ऊपर लिख देती हूँ, जो मुझे समझ में आता है मैं लिख देती हूँ। इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले एक नेताजी को जेल हो गई, तो मैंने सोचा कि जाकर मैं जेल में हालचाल पूछाती हूँ। मैं चली गई, मैंने कहा नेताजी वो ठीक है, आपने खाना वाना खा लिया? तो बोले कि हाँ जी खा लिया, क्या करें यहाँ और कोई चारा ही नहीं है। थोड़ा सा देर से समझ में आएगा। आपको समझ में नहीं आया तो अब मैं एक दोहा पढ़ती हूँ कि चारा खा कर चले गए नेताजी अब जेल, रबड़ी भी किसी आ रही है मिल रही है बैल, बैल ने साप दे दिया गाय ने ताप दे दिया, बैल ने साप दे दिया गाय ने ताप दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएंगे तो मैं चलिए फिर से आपको एक और दोहे से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। आप फिर से अपना मन एक बार मुझे दे दीजिएगा, पढ़ती हूँ। कि हम हैं दो हमारे नौ लालू गाते गीत, हम हैं दो हमारे नौ लालू गाते गीत,
रावड़ी के संग में खूब निभाई प्रीत, प्रीत सर चढ़कर बोले नो के होले होले प्रीत सर चढ़कर बोले नो के होले होले। और आपको छंदों से आपको जोड़ती हूँ, देखिए आप सब लोग हंस रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पुरुष हंसे तो ठीक है, लेकिन कोई महिला किसी पुरुष से थोड़ा सा हंसकर बात क्या कर लेती है, वो तो उसका उल्टा ही मतलब निकालने लग जाते हैं। एक ऐसा ही मरीज हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होता है और दो दिन बाद ही नर्स से क्या कहता है सुनिएगा, कि मैं हूँ बड़ा भाग्यशाली, तू है नर्स दिल वाली, चुपके से आके मेरा दिल जो चुराई है, तेरे प्यार ने तो ऐसा दीवाना बनाया मुझे, पल में ही दूर सारी बीमारी भगाई है। नर्स बोली ऐसी कोई बात नहीं, दिल में है, मैंने जरा हाथ की सफाई यूं दिखाई है, दिल को तो मैंने तेरे छुआ भी नहीं है प्यारे, बस मैंने तेरी एक किडनी चुराई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए पुरुष वर्ग कभी कभी नारियों को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, नारियां कमजोर नहीं है। एक चोर किसी के घर चोरी करने घुस गया तो पत्नी उसकी क्या हालत करती है सुनिएगा, कि पत्नी ने चोर को तो ऐसा ही दबोचा धरे, पीठ पे सवार हुई कैसा दृश्य देखो तुम, पति से यूं बोली जान डरने की बात नहीं, मोटे थानदार को जल्दी से बुला लाओ तुम, चोर चीखाया तो जल्दी पुलिस को लाओ भाई, या तो लात घूंसे डंडे सब जड़े डालो तुम, जान मेरी अटकी है जीभ मेरी लटकी है, पहले इस बुलडोजर को ऊपर से हटा लो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम चार पंक्तियां आपके बीच रखकर मैं विदा लेती हूँ, कि देखिए कुछ दिन देश में ऐसा कुछ घटित हुआ कि बैंक सिस्टम को पूरा उस घटना ने हिला के रख दिया। आप जानते हैं कि कुछ लोग हमारा बैंक का पैसा लेकर विदेशों में भाग गए हैं, तो उन्हीं की तरफ ये इशारा करके अंतिम चार पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। उससे व्यथित होकर एक भक्त मंदिर में चला गया और वहां जाकर क्या प्रार्थना कर रहा था, कि हे प्रभु तेरा ये दास सच में बड़ा भागा है, हे प्रभु तेरा ये दास सच में बड़ा भागा है, तेरा भक्ति भाव मुझ में कुछ देर से जागा है, भगवान मेरे मुझको बस इतना सा दे देना, भारत से जितना नीरव मोदी लेकर भागा है, भारत से जितना विजय माल्या लेकर भागा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपके सामने देवदत्त जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपको अच्छी बात लगे आपको कैमरा बन के कैप्चर कर लेनी है। देवदत्त जी आपका स्वागत है। धन्यवाद अग्रवाल का। सबसे क्या होता है ऐसा, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कविता का बहुत आनंद ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है देश के साहित्य के लिए भी और कविता के लिए भी, कि बच्चों को कविता समझ में आ रही है और जहां जहां उनको लग रहा है कविता में दम है वो ताली भी बजा रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली आप लोग बच्चे लोग के लिए बजा दीजिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय पंडित किरण मिश्र जी हैं, जाकिर भाई हैं, श्रुति जी हैं, मधु जी हैं और नूर सदानी साहब हैं, अग्रहरी साहब हैं, सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों को हमारे 72वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों प्रोग्राम छोटा है बड़ा नहीं होता है, मैं देख रहा हूं जितना तालियां आप लोग यहां बजा रहे हैं और आप कविता समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। दो पंक्तियां पहले कौमी एकता के नाम, अगर आपको अच्छी लगे, कि कोई अल्लाह को पूजे कोई भगवान को पूजे, कोई अल्लाह को पूजे कोई भगवान को पूजे, मैं उसको पूजता हूं जो फकत इंसान को पूजे, मैं उसको पूजता हूं जो फकत इंसान को पूजे। क्योंकि मेरा मानना है कि धर्म अपना निजी मामला होना चाहिए, धर्म समाज में या सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, धर्म हमारा निजी मामला है। जैसे उन्होंने बताया कि मैं हास्य और गीत दोनों चीजें लिखता हूं। अच्छा ये स्कूल है, मुझे बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बच्चे कभी कभी एकदम, जैसे समझ लीजिए हमारे मुफ्ती साहब एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों ईमानदारी से बताओ इस क्लास का सबसे मूर्ख बच्चा कौन है, और जो अपने आप को सबसे मूर्ख समझता हो वो खड़ा हो जाए। तो बहुत देर तक मुफ्ती साहब ने 2-3 बार ये बात बोली, कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ। तो फिर धीरे से पीछे कोने में से एक बच्चा धीरे से सहमता हुआ खड़ा हो गया, तो मुफ्ती साहब उसके पास पहुंचे
बोले अच्छा बेटा बहुत ईमानदार हो, तुमने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि तुम इस क्लास के सबसे मूर्ख बच्चे हो। तो बच्चे ने भी बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बोला नहीं सर मैं तो ये देख रहा था कि आप अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। कैसा हो जाता है। एक बार एक बच्चे से मुफ्ती साहब ने पूछा कि बच्चों ये बताओ यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है। तो बच्चे ने बोला सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ये यथार्थ है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो बच्चों का कभी भी दोस्तों शाह साहब अभी एक माँ के ऊपर कुछ गजल शेर पढ़ रहे थे तो मेरा भी मन है एक गीत माँ के ऊपर पढ़ने के लिए। और आज 15 अगस्त है तो मैंने 2 साल पहले अपनी माँ को खो दिया। मेरा मानना है माँ खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। माँ ही दुनिया में, आप लोग स्कूल में बच्चे हैं, माँ ही दुनिया में सबसे पहला स्कूल होती है बच्चे का, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ ही बताती है, माँ ही सबसे पहले उसकी गुरु होती है, स्कूल होती है, माँ ही बताती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो पहली गुरु माँ होती है। तो माँ के ऊपर मेरा एक छोटा सा गीत है, मैं आगे चाहूंगा पढ़ी सुनिए, आपको अच्छा लगे तो आप आशीर्वाद दीजिएगा कि देखिए माँ होती क्या है। देखिए माँ तो केवल माँ होती है, माँ तो केवल माँ होती है, मासी कोई कहाँ होती है, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी कुछ तीखी सी कुछ खारी सी, भोली भाली देवी की मूरत अल्लाह की नेक दुआ होती है, माँ तो केवल माँ होती है, मासी कोई कहाँ होती है। देखिए माँ ही ऐसी, माँ ही दुनिया में कुदरत ने ऐसी चीज बनाई है कि माँ लात खाकर भी बच्चों को भोजन देने की क्षमता केवल माँ में है। अब देखिए उस पंक्तियों को मैंने गीत में कैसे डाला कि पूत पालने में दिख जाता, पूत पालने में दिख जाता, जीवन पीते लात चलाता, आंचल फैलाकर रक्षा का बचपन को राहें देती है, माँ तो केवल माँ होती है, मासी कोई कहाँ होती है। देखिए कि नींदों को गहना देती है, नींदों को गहना देती है, लोरी गीत सुना देती है, परियों से मिलवा देती है, ऐसी भोर कहाँ होती है, माँ तो केवल माँ होती है, मासी कोई कहाँ होती है। 4 पंक्तियां अंतिम देखिए, माँ रहती कैसे, जिंदगी भर माँ कैसे रहती है, हम माँ ही ऐसी है चुपचाप, उसका कोई रेस्ट नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, जो जिंदगी भर आप लोग, आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो माँ तभी भी आपको, आप आएंगे ऑफिस से, बीबी आपको नहीं पूछेगी, बीबी पूछेगी आज मेरा, मैंने सामान के लिए बोला था, आप सामान लाए कि नहीं लाए। लेकिन माँ ही ऐसी है कि माँ आते पूछे बेटा तू ठीक है, तूने खाना वाना खाया कि नहीं, बड़ा थका हुआ लग रहा है, तो ये माँ ही कर सकती है। सर देखिए धीर नदी सी रहा करती है, धीर नदी सी रहा करती है, कितने कष्ट सहा करती है, और बच्चों की मुस्कान की खातिर हंसकर के जीवन खोती है, माँ तो केवल माँ होती है, मासी कोई कहाँ होती है, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी कुछ तीखी सी कुछ खारी सी, भोली भाली देवी की मूरत अल्लाह की नेक दुआ होती है, माँ तो केवल माँ होती है, मासी कोई कहाँ होती है। एक गीत छोटा सा, क्योंकि 15 अगस्त है, अभी मैंने ये गीत आज मेरा सुबह सुबह मुंबई आकाशवाणी केंद्र से भी प्रसारित हुआ है सुबह सुबह, और मैंने आगरा में ये गीत पढ़ा और मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला, मैं वो गीत पढ़ना चाहता हूँ। ये गीत हमारे देश के उन शहीदों के लिए है, उन सैनिकों के लिए है जो आज बॉर्डर पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, और सेना के जवानों को समर्पित मेरा गीत। और आपको अच्छा लगे तो आप इसके साथ साथ ताली बजाएंगे तो आपको गीत सुनने का बहुत अच्छा लगेगा। देखिए देश के जवानों ऐसा काम कर दो, दुश्मनों का काम ही तमाम कर दो, देश के जवानों ऐसा काम कर दो, दुश्मनों का काम ही तमाम कर दो, हम जागे तो वो भी सो न सकें, हम जागे तो वो भी सो न सकें, जाके उनकी नींद भी हराम कर दो, देश के जवानों ऐसा काम कर दो, दुश्मनों का काम ही तमाम कर दो, देश में कोई भी अब पीर ना रहे, झीर झीर द्रौपदी का चीर ना रहे, देश में कोई भी अब पीर ना रहे,
जीव जीव द्रौपदी का चीर ना रहे, जलता हुआ अब कश्मीर ना रहे, रांझे से जुदा कोई हीर ना रहे, ऐसा तुम कोई इंतजाम कर दो, और देश के जवानों ऐसा काम कर दो, दुश्मनों का काम ही तमाम कर दो, देश के जवानों ऐसा काम कर दो, फूल खुशी वाले रोज खिलते रहें, फूल खुशी वाले रोज खिलते रहें, अशकों से भी दीप जलते रहें, नए नए ख्वाब रोज तलते रहें, नए नए रंगों में ढलते रहें, सुहानी अपनी हर शाम कर दो, देश के जवानों ऐसा काम कर दो, दुश्मनों का काम ही तमाम कर दो, देश के जवानों ऐसा काम कर दो, हम जागें तो वो भी सो न सके, जाके उनकी नींद भी हराम कर दो। और पंक्ति देखें कि दिल्ली का यारो अब दीवाला नहीं हो, दिल्ली का यारो अब दीवाला नहीं हो, भारत का मुंह भी काला नहीं हो, चारे वाला कोई भी घोटाला नहीं हो, और देश में कोई भी हवाला नहीं हो, भ्रष्टाचारियों को सरे आम कर दो, देश के जवानों ऐसा काम कर दो, दुश्मनों का काम ही तमाम कर दो, देश के जवानों ऐसा काम कर दो। देश में क्या चाहिए देखे, शिवाजी वाली अब तलवार चाहिए, अफाक जैसी देश को ललकार चाहिए, शिवाजी वाली अब तलवार चाहिए, अफाक जैसी देश को ललकार चाहिए, पटेल वाला देश में विचार चाहिए, पटेल वाला देश में विचार चाहिए, सुभाष जैसा कोई कर्णधार चाहिए, दुनिया में ऊंचा अपना नाम कर दो, देश के जवानों ऐसा काम कर दो, दुश्मनों का काम ही तमाम कर दो, देश के जवान। धन्यवाद। जोसेफ भैया, बात आपने शानदार माहौल जोड़ा, देशभक्ति का, टीचर का, और एक क्षमा बांध दिया। हमारे बीच में कुछ बहुत ही मशहूर शायर आए हुए हैं, मैं उनका नाम बोलना चाह रहा हूँ। जाकिर खान, जाकिर साहब, जहाँ कहीं भी आप खड़े होकर बताइए, सब तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अय्याज गोरखपुरी साहब, जहाँ कहीं भी आए, सब तालियां बजाकर इनका, और यूसुफ दीवान साहब, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, ये अपना बेशकीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं भैया, बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी बात हो रही थी मंदिर मस्जिद की, तो मैंने भी दो पंक्ति पढ़ी है, समझो कभी लिखी है। फकीर मिजाज हूं मैं, पंडित जी मोबाइल छोड़िए, मुझे सुनिए। फकीर मिजाज हूं मैं, अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूं। फकीर मिजाज हूं मैं, अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूं। लोग जाते होंगे मंदिर मस्जिद, मैं अपने दिल में अपना खुदा रखता हूं, मैं अपने दिल में अपना खुदा रखता हूं। तो दोस्तों हम यहाँ पर, अच्छा एक चीज मैं थोड़ा मेरे बारे में कहना चाहता हूँ। मैं जैसे इन्होंने इंसान की बात करी, हिंदू मुसलमान की बात करी, आज 15 अगस्त है, मुफ्ती साहब ध्यान दीजिए, एक नारा पिछले 50 साल से चला आ रहा है, एक नारा बराबर ये यहाँ से इनको पेन हो रहा है, मैं भी समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। मुफ्ती साहब एक नारा चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मैं जब से मैंने होश संभाला तब से मैं सुन रहा हूँ। दोस्तों ये जो नारा है ना, ये बहुत खोखला नारा है। हम जब भाई हैं तो हमें ये ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, जब तक, क्योंकि हम वो बात कह रहे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है, हम भाई हैं है? ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में ये शायर आए हुए हैं, कवि आए हुए हैं, और मुफ्ती साहब से मेरा परिचय मुश्किल से थोड़े समय का है। मैंने इनसे कहा ऐसे ऐसी बात है, अब हम करना चाहते हैं, आज इन्होंने इस चीज़ को इतना विशाल रूप दे दिया, कहाँ कहाँ से इन्होंने शायर बुलाए, कहाँ कहाँ से कवि बुलाए हैं,
मुफ्ती साहब बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया। थोड़ा माहौल बदलते हैं और हमारे बीच में सीनियर मोस्ट शायर साहब हैं, इनका नाम है नूर शादानी साहब, बहुत सीनियर हैं, अपना वक्त निकाल कर आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका इस्तकबाल कीजिए। नूर शादानी साहब, मैं यहाँ से अपने कलाम का आगाज करता हूँ। हक बरसती जो करोगे तो संवर जाओगे, हक बरसती जो करोगे तो संवर जाओगे, हक परस्ती जो करोगे तो संवर जाओगे, वरना बातिल के सुराबों में ही मर जाओगे, वरना बातिल के सुराबों में ही मर जाओगे, वरना बातिल के सुराबों में ही मर जाओ। और ये शेर देखें, शाह रमजी साहब हमारे मौजूद हैं, आपकी दुआएं चाहिए। हमारे अयाज साहब यहां तशरीफ फरमा है, उनके बड़े भाई, शेर मुलाहिदा फरमाएं। आओ बतलाऊं तुम्हें मैं के मोहब्बत क्या है, आओ बतलाऊं तुम्हें मैं के मोहब्बत क्या है, प्यार पाओगे तो तुम और निखर जाओगे, प्यार पाओगे तो तुम और निखर जाओगे। और गजल का ये भी शेर देखें कि हर तरफ मेरे ख्यालात की फौजें होगी, हर तरफ मेरे ख्यालात की फौजें होगी, तुम मुझे छोड़ के जाओगे किधर जाओगे, तुम मुझे छोड़ के जाओगे, हर तरफ मेरे ख्यालात की फौजें होगी, तुम मुझे छोड़ के जाओगे किधर जाओगे। और इस स्टेज से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि इख्तलाफ बहुत बुरी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, शर्त यह है कि एक्सेप्ट करने में ईमानदारी हो। शेर मुलाहिदा फरमाए, मक्ता का शेर पढ़ रहा हूँ यहाँ, के इख्तलाफात से ऐ नूर जरा दूर रहो, इख्तलाफात से ऐ नूर जरा दूर रहो, वरना तिनके की तरह तुम भी बिखर जाओगे, वरना तिनके की तरह तुम भी बिखर जाओगे। और आज 15 अगस्त है, मैं चाहता हूँ पहले, मैं मुख्तसर वक्त है तो उसमें मैं अपनी नज्म पेश कर दूँ। बंद का मतलब मुलाहिजा फरमाएं, बहुत मशहूर गाना है, जो बहुत मशहूर है, सभी लोग सुनते रहते हैं, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। दोस्तों देखिएगा मैं कहां तक कोशिश में कामयाब हुआ हूं। हर सम तो प्यारा प्यारा नजारा है दोस्तों, हर सम तो प्यारा प्यारा नजारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा है दोस्तों, हर सम तो प्यारा प्यारा नजारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा है दोस्तों। बन देखेंगे कि हर सम तो जो बहार तुम्हारी नजर में है, हर समत जो निखार तुम्हारी नजर में है, हर समत जो बहार तुम्हारी नजर में है, हर समत जो निखार तुम्हारी नजर में है, खून दे के इसको हमने संवारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा है दोस्तों, हर सम तो प्यारा प्यारा नजारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा है दोस्तों। और ये भी शेर के अंग्रेज
आए थे जो बड़े तंत्र आंखों से, इंग्रेज आए थे जो बड़े तमतराक से, और जुल्म कर रहे थे बड़े तमतराक से, और जुल्म कर रहे थे बड़े तमतराक से, हमने भगा भगा उन्हें मारा है दोस्तों, हर संत प्यारा प्यारा नजारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा है दोस्तों। और ये भी शेर के धरती ये कालिदास कबीरों नजीर की, धरती ये कालिदास कबीरों नजीर की, धरती अमीर खुसरो की गालिब की मीर की, धरती अमीर खुसरो की गालिब की मीर की, कुदरत ने कुदरत ने खूब इसको निखारा है दोस्तों, हर संत प्यारा प्यारा नजारा है दोस्तों, हर संत प्यारा प्यारा नजारा है दोस्तों। और यहाँ फायदा उठाने की कोशिश की है, थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाएंगे कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान है, हम बुलबुलें हैं इसकी ये वो गुलस्तान है, हम बुलबुलें हैं इसकी ये वो गुलस्तान है, हर जर्रे पे हर जर्रे पे हमारा इजारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा है दोस्तों। ओ गंगा अगर कहीं है तो जमुना भी है कहीं, जिनके तुफैल मुल्क का मंजर बना हसीन, जिनके तुफैल मुल्क का मंजर बना हसीन, धरती पे धरती पे इनको रब ने उतारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा है दोस्तों। और मक्ते का शेर के अपना तिरंगा ऊंचा रहे नूर चार सू, अपना तिरंगा ऊंचा रहे नूर चार सू, लहराए शहर शहर हर एक गांव को बकू, लहराए शहर शहर हर एक गांव बकू बकू, दुनिया में दुनिया में ये चमकता सितारा है दोस्तों, ये 15 अगस्त हमारा। शुक्रिया बहुत। नूर सवानी साहब, आपने 15 अगस्त और झंडे की बात कह के सब लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना को जगा दिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।